मुंबई एयरपोर्ट पूरा खाली खाली क्या जी? ये पूरा खाली हो गया मुंबई एयरपोर्ट। इंटरनेशनल फ्लाइट भी होता है तो बज रहा अभी ढाई। डालना है क्या वीडियो? डालना है। अच्छा अच्छा कुछ बोलिए। ओके भाई लोग, हम लोग मेरे सीनियर हैं, हम लोग वेसल ज्वाइन कर रहा है। ये अंसारी जी हैं साथ में। अच्छा पहचान जाएंगे सीप पर जाएंगे तो। इसका पहला वेसल है, अभी मैं करके आया वेसल इससे पहले, तो अभी इनको जाके एक्सपीरियंस भी लेना है। चलो यही है मेरे इंजीनियर साहब, यही मेरे को एक्सपीरियंस देंगे जितना। नहीं ऐसा ठीक है, सब लोग देगा। और वो बोसन साहब पकड़ते हैं, उनको पकड़ते हैं। बोसन साहब वीडियो बन रहा है, कुछ बोलिए। मास्क नीचे करके बोसन साहब आगे। अब आप लोग बोसन है आगे, हम लोग सब सर रोक दिया, घूम गया, रोक दिया, रोक दिया। रोका क्यों भाई? हाँ अभी हम लोग इधर से जा रहा है, देखो इधर खड़ा हो गया, काम मस्त है। तो हम लोग इधर से मुंबई टू दोहा जाएगा, दोहा टू जाएगा जॉन्सवार्ड केप टाउन, साउथ अफ्रीका। साउथ पहला ट्रिप मेरा साउथ अफ्रीका ही मिली है। नहीं हम लोग साउथ अफ्रीका से ही ज्वाइनिंग करेगा। तो इसके लिए वेसल का हम लोग नाम नहीं देगा, बल्क कैरियर है। हाँ प्राइवेसी के लिए हम लोग वेसल का नाम नहीं देगा। और वो बगल में बोसन सर हैं। हाँ बोसन सर है, ठीक है। आप ज्वाइन करना है तो बोसन सर को पहचान लो, ठीक है। नहीं इसमें तो चलो अब एक के बार हम लोग मिलते हैं दोहा में भी वीडियो बनाएंगे। हाँ दोहा में भी बनाएंगे, उसके बाद हम लोग वेसल का साइनिंग होने के बाद जब भी गैंगवे पे हम लोग चढ़ेगा उसके बाद भी वीडियो बनाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब तो हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरवर अंसारी। तो दोस्तों आज के बज चुके हैं, आज नाइट है और आज बज चुके हैं 10:07। देखो 10:07 हो रहे हैं और ये आपका भाई 10:07 में वीडियो क्यों बना रहा है, कोई वजह है? देखो 10:07 वजह इसलिए है क्योंकि अब भाई की ज्वाइनिंग हो गई है और रात को भाई आपका यहाँ से 12 निकलेगा और ये आपका ज्वाइनिंग का लेटर मिल चुका है। तो भाई अब सीप पर जाने वाला है तो वीडियो आएगी लेट से, तो आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरी ज्वाइनिंग कहाँ से होने वाली है। तो भाई मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है साउथ अफ्रीका के केप टाउन जगह से, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका का पूरा लेटर मेरे पास आ गया है, ये पूरा कोविड का शेड्यूल वगैरह पूरा यहाँ पर भर भर के लेटर है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं पूरा भर भर के लेटर मेरी है। तो कंपनी के तरफ से कॉन्ट्रैक्ट लेटर के साथ साथ मेरे को क्या मिलता है, पूरा फाइल मिला हुआ है, यही लेकर मेरे को एयरपोर्ट जाना है, ठीक है। तो देखता हूँ कि क्या मिला है, पूरा मैंने भर लिया। तो सबसे पहले मेरे ये टिकट है, ये मेरा टिकट है, ये मेरा टिकट आपको मिला है मेरी कल यानी 3 अप्रैल को सुबह 4:25 में फ़्लाइट है। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से दोहा, दोहा से जोहान्सबर्ग और वहाँ से फिर केप टाउन। तो बहुत लंबा टूर है भाई, हालत ख़राब हो जाएगा। तो ये मेरे को टिकट मिला है, ये टिकट ले जाऊँगा किसका, तो कतर एयरवेज का। फिर उसके बाद ये फ़्लाइट शेड्यूल मिला है, कोविड का रिपोर्ट तो भाई मैंडेटरी है, कोविड का रिपोर्ट मैं लेके जाने वाला हूँ। उसके साथ साथ कंपनी का आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट मिला है, वीज़ा का लेटर वो भी लेके जाऊँगा, इंडक्शन लेटर कैप्टन सर को देना है, इमिग्रेशन लेटर क्या होगा तो DGCPing के वेबसाइट पर ई माइग्रेंट पर जाकर इमिग्रेट करेंगे तो इमिग्रेशन लेटर बनकर आएगा। उसके साथ इंडक्स है, इंडक्स के लिए भी लेके जाना है। उसके साथ ये कंपनी का लेटर है वो भी लेके जाना है। उसके साथ साथ मेरा नॉर्वे सीप है तो नॉर्वे फ्लैग है तो नॉर्वे फ्लैग का मेडिकल लेके जाऊँगा। उसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, ये तो मैं देखने वाला था कि मेरी सैलरी कितनी लग रही है, अच्छी खासी बढ़िया से सैलरी लगी है, सीप पर भी मज़ा आएगा। तो इतनी चीज़ें लेकर मैं ज्वाइनिंग करने वाला हूँ और मेरी ज्वाइनिंग है 3 अप्रैल को, यानी मैं कल यहाँ से मेरी ज्वाइनिंग है 4:25 में बॉम्बे टू दोहा कतर, दोहा कतर टू जोहान्सबर्ग और वहाँ से फिर है केप टाउन। तो केप टाउन में अगर जाने के बाद अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो प्रॉपर शूट किया हूँ छपरा टू केप टाउन, ठीक है। तो छपरा टू केप टाउन वो वीडियो आप लोग देखिएगा जब मैं डालूँगा सीप पर जाने के बाद।
बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि भाई आपकी वीडियो आने में डिले क्यों हो रही है, क्योंकि जान रहे हैं कि शिप पर जाऊंगा तो वर्क प्रेशर बढ़ेगा, फिर वहां पर टाइम नहीं मिलेगा वीडियो शूट करने का, और प्राइवेसी है कि शिप का वीडियो आपको शूट नहीं करना है, ठीक है, तो फिर उसको भी फॉलो करना है, और फिर वहां पर नेटवर्क मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, तो फिर घर पर भी बात करना है, तो वीडियो अपलोड कर दूंगा तो घर पर कहां से बात करूंगा। तो आप इसी तरह मेरे से प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जैसे जैसे वीडियो आएगा मैं आपको बनाऊंगा, क्योंकि ये ही एक आपका बंदा है जो रियलिटी बताता है कि कैसे जीपी रेटिंग से बड़ा कंपनी में ज्वाइनिंग किया, ठीक है। तो पूरा प्रॉपर आप लोग मेरा वीडियो वॉच करते रहिए, और मर्चेंट नेवी से इन्फॉर्मेशन कोई है तो जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। और इंशाल्लाह अगर मैं केप टाउन में पहुँच जाता हूँ, और केप टाउन में अगर होटल में वाईफाई मिल जाता है, तो छपरा टू केप टाउन का जर्नी भी आप लोग दे सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।